नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निपा वायरस के बारे में, जो कि आजकल इंडिया में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि निपा वायरस जो अभी हो रहा है वायरल, वो एक न्यू वायरस नहीं है। हमारे दिमाग में एक ऐसा चल रहा है कि एक न्यू वायरस है, लेकिन ये एक रेयर वायरस है, बहुत ही पुराना वायरस है, लाइक तकरीबन 20 साल का पुराना वायरस है, लेकिन अभी धीरे धीरे इंडिया में ज़्यादा वायरल हो रहा है। और निपा वायरस के बारे में एक जानकारी दे दूँ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अब तक निपा वायरस की वजह से 500 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई है। तो ये इतना डेंजरस वायरस है हमारे मैनकाइंड के लिए। और निपा वायरस जब डिस्कवर हुआ तभी उसकी इन्फेक्शन की वजह से 300 लोग ज़्यादा इफेक्ट में आए थे, और उसमें से आधे लोग निपा वायरस की वजह से मर गए। देखा जाए तो दोस्तों, निपा वायरस बहुत ही डेडली एंड डेंजरस वायरस है, जो कि धीरे धीरे अब इंडिया में भी स्प्रेड हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया में फर्स्ट टाइम आया है, पहले भी बहुत साल पहले बंगाल में ये वायरस का अटैक हुआ था, लेकिन तभी उनका जो तादाद थी वो 15 से 20% तक ही इन्फेक्टेड हुआ था, फिर धीरे धीरे वो चला गया। लेकिन केरला के अंदर डिटेक्ट हुआ है और वहाँ पर 3 से 20 लोगों का जान जा चुका है। तो जब ये निपा वायरस इतना डेंजरस है, इतना खतरनाक है हमारे मानव जाति के लिए, तो मैंने भी सोचा कि अभी ये उसकी जानकारी सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोस देखे, वहाँ पर दिल्ली के एक डॉक्टर है, डॉक्टर परमजीत सिंह, वो कंसल्टेंट फिजिशियन है, और उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वीडियो के अंदर वो मुझे बहुत सही लगी, और मैं चाहता हूँ कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से सुनिए और अपने फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए और बचाव के लिए उसको इस्तेमाल करें। धन्यवाद दोस्तों। निपा वायरस NIV वायरस ये पहली बार 1940s में पाया गया था मलेशिया में दोस्तों, जो बैट्स हैं, चमगादड़ है, जो फल फ्रूट खाने वाले चमगादड़ है, उन चमगादड़ों में ये वायरस ज़्यादातर पाया जाता है। और ये चमगादड़ वायरस के वजह से इन्फेक्ट नहीं होते, बीमार नहीं होते, ये सिर्फ वायरस को अपने शरीर में पलते हैं उनके शरीर में। उन चमगादड़ों के शरीर के जितने भी बॉडी के फ्लूइड्स हैं, सिक्रीशंस हैं, उनके पेशाब में, यूरिन में, उनके सलाइवा में, थूक में, उनके स्वेट में, सारी सिक्रीशंस में वायरस एक्सक्रीट होता है, वायरस निकलता है। इसीलिए जब ये जो चमगादड़ है, किसी फल फ्रूट को खा लेते हैं, चबा लेते हैं आधा, तो उस फल फ्रूट के ऊपर उस बैट चमगादड़ का थूक सलाइवा लगा होता है, तो वो वायरस उस सलाइवा में हो सकता है। इसलिए उस आधे खाए हुए फ्रूट को अगर कोई जानवर खा ले, कोई इंसान खा ले, तो उसके अंदर भी ये वायरस आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से ये वायरस चमगादड़ों से फैलता है। दूसरा तरीका, ये चमगादड़ जहाँ पर हैं, जैसे मलेशिया में पहली बार जब ये फैले थे, तब ये कुछ ऐसा हुआ था कि ये चमगादड़ जिन पेड़ों के ऊपर जाके फल खाते थे, उन पेड़ों के नीचे सुअरों के फार्म थे, पिग फार्म थे, और पिग फार्म्स में ऑब्वियसली ये जो चमगादड़ के आधे खाए फ्रूट्स भी गिरते हैं, और चमगादड़ भी जो अपना यूरिन है, पेशाब है, वो भी इस तरह से कर देते हैं, तो पिग फार्म में, सुअरों के फार्म में वो चमगादड़ों के वजह से वायरस आ जाते हैं। और ये फ्रूट, ये वो चीज़ें खाने से उन सुअरों को, उन पिग्स को वायरस इन्फेक्शन हो जाता है। जब ये पिग्स को होता है, सुअरों को होता है, तो वो सुअरों के अंदर खांसी का एक बलगम जैसी खांसी आ जाती है, और वो सुअर कई बार, ऐसा भी कहा जाता है, बार्क करते हैं, सुअर जो है बार्क करते हैं कुत्तों की तरह। और वो बार्क क्यों होती है, क्योंकि वो खांस रहे हैं, और जब ये खांसते हैं तो इनके भी, सुअर के भी सारे सिक्रीशन में, खांसी से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स हैं उनमें भी, और सुअरों के पेशाब से लेके सुअरों के पसीने तक, सब में, जिस भी जानवर के अंदर ये वायरस आ जाएगा, इंसान के अंदर भी आ जाएगा, उसके सब सिक्रीशंस में ये वायरस आएगा, एक्सक्रीट होगा। तो सुअरों को हैंडल करने वाले जो फार्मर्स थे, जो वहाँ पे सुअरों के फार्म को देखते थे, उनको भी ये वायरस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि पहली बार ये वायरस जब उसका आउटब्रेक हुआ था, तो 90 से 96% तक सिर्फ सुअरों के जो फार्मर्स थे वो बीमार हुए थे। और अब उन फार्मर्स के कपड़ों से, उन्होंने कहीं हाथ लगा के इधर हाथ लगा लिया, कोई अनहाइजीनिक कंडीशन से फिर ये वायरस फैलता है, या फिर उन्होंने किसी के ऊपर खांस दिया तो भी ये वायरस फैलता है। तो अनहाइजीनिक कंडीशन से फिर ये वायरस फैलता बांग्लादेश से अब इंडिया तक आ चुका है। इंडिया में, केरला में ये वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है।
इसलिए कैलरा में कई लोगों को ऑलरेडी ये बीमारी हो चुकी है, कुछ लोग अपनी जान से भी हाथ धो फेंक चुके हैं। तो दोस्तों वायरस जब ये आपके शरीर में जाएगा तो ये कई रूट से जा कई तरीके से फैल सकता है। अगर आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास जाके उसे छू लिया, उसे टच किया, तो हो सकता है ये फैले, हो सकता है ना भी फैले, लेकिन आपको अपनी सावधानी बरतनी होगी। ये वायरस कोई भी फल खाने से नहीं फैलता। अगर वो फल आधा खाया हुआ है तो उसे ना खाएं। कोई भी फल साफ करके या छील के खाएं तो ये वायरस आपको नहीं होगा। फल कोई भी हो, आधा खाया हुआ हो तो वो दिक्कत आ सकती है। ज़्यादातर वहाँ पे मैंगोज़ और आम के जो पेड़ हैं उनमें से ये वायरस ज़्यादा फैला हुआ देखा गया था। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ भी वही होगा। यहाँ पॉसिबल है कि वायरस किसी इंसान के थ्रू आया है, क्योंकि जब भी ये वायरस आपके शरीर में जाता है तो ये तुरंत के तुरंत बीमारी नहीं प्रोड्यूस करता। इसको 4-5 दिन, कभी कभी 8 दिन, कभी कभी 2 हफ्ते लग जाते हैं। ये इंक्यूबेशन पीरियड है, ये अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई होता है आपके। मल्टीप्लाई होने के बाद जैसे जैसे जहाँ जहाँ ये फैलेगा वहाँ वहाँ ये सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। सबसे कॉमनली इस वायरल ने दिमाग को असर किया है, दिमाग के अंदर, और अब ये सांसों को भी असर करने लगा है। दिमाग के अंदर और सांसों के अंदर जब असर शुरू हो जाता है तो आपको सिम्टम हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वायरस शरीर में गया तो सिम्टम होंगे ही, कईयों को कोई सिम्टम नहीं होता और कई लोगों को बहुत जानलेवा सिम्टम भी हो सकते हैं। तो कोई सिम्टम नहीं से लेके जानलेवा सिम्टम तक, सिम्टम कहाँ कहाँ से क्या क्या हो सकते हैं, आपको सांस में दिक्कत हो सकती है, आपको खांसी आ सकती है, आपको उल्टी आ सकती है, उल्टी उबकाई आ सकती है, ये हो गए सारे पेट के और सांस के सिम्टम्स। आपको दिमाग के लिए आपको बुखार आ सकता है, आपको गर्दन में जकड़न आ सकती है, नेक रिजिडिटी आ सकती है, आपको सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, बेहोशी आ सकती है, नींद ज़्यादा आ सकती है, डिलीरियम हो सकता है, और आपको आँखों से ब्लरिंग हो सकता है, दो दो दिखने हो सकता है, आपको रोशनी से डर लगना शुरू हो सकता है, फोटोफोबिया हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इस वायरस के इन्फेक्शन में, और ऐसा ज़रूरी नहीं है तो हर एक केस को ये सब कुछ होगा। किसी किसी को कुछ होते हैं, किसी किसी को कुछ नहीं होते हैं। और दोस्तों ये बात समझिए, अगर आपको ये वायरस इन्फेक्शन हो गया है तो जब भी ये सिम्टम शुरू होते हैं, जब भी आपको बीमारी की दिक्कत शुरू होती है, तो 60% तक लोग जो हैं 60% तो लोग जो हैं अगले 24 से 48 घंटे में कोमा में चले जाएंगे। ये बहुत सीरियस कंडीशन है वायरस की, आप कोमा में भी जा सकते हैं, 60% चांसेस हैं। और 25% तक चांस है कि आपको दौरे पड़ेंगे, सीजर होंगे, कन्वल्जन्स होंगे। तो इसलिए इस वायरस का सीरियस होना जाहिर है और लोगों का इससे डरना भी जाहिर है। और इस वायरस के लिए इसीलिए बहुत सारे प्रचार ऑलरेडी हो रहे हैं। और केरला में कई डॉक्टर्स और नर्सेस स्टाफ ऑलरेडी लगे हुए हैं कि इस वायरस से जितने लोग ऑलरेडी पीड़ित हैं उनका सही से इलाज हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इस वायरस का कोई डेफिनेट इलाज नहीं है, इस वायरस के खिलाफ कोई बेसिक डेफिनेट दवा नहीं है। इस वायरस की वजह से जहाँ जहाँ सिम्टम आ रहे हैं, जो जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, अगर दिमाग में सूजन है, छाती में, सांस में दिक्कत है, तो उन चीज़ों को रिलीफ करने की दवाई दी जाती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आपका सांस रुक रहा है तो उसकी दवा दी जाती है, दौरा पड़ रहा है उसकी दवा दी जाती है। तो इस वायरस का स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है, जैसे आप कमज़ोर हैं, बीमार हो गए, तो डबल इन्फेक्शन कोई और बैक्टीरिया आपको आके जकड़ सकता है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से फिर बात कॉम्प्लिकेट हो सकती है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन से आपको बचाया जाता है। कईयों में देखा गया है कि वायरस जो है अपना ऑब्वियसली जो उसका साइकिल है वो कंप्लीट करके शरीर खुद इसे ठीक कर लेता है, यानी वायरस को मार देता है, लेकिन आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन कईयों में ये प्राण घातक भी हो सकते हैं और कई अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। तो दोस्तों इसीलिए ये वायरस काफ़ी डेंजरस है। हाँ, एक दवा है रिबावरिन करके, वो एक एंटीवायरल ड्रग है। उस दवा का प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देखे गए हैं कि इस वायरस के खिलाफ जहाँ जहाँ ये टेस्ट किया गया है, थोड़ा बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं कि वायरस के जल्दी ट्रीटमेंट, जल्दी ठीक हो जाने के चांसेस होते हैं। सो उस एंटीवायरस को भी यूज़ किया जाता है आपके ट्रीटमेंट में। सो दोस्तों ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आप कैसे पता करेंगे कि ये वायरस आपको इन्फेक्ट कर चुका है या नहीं। दोस्तों जब भी कोई भी वायरस आपके शरीर में जाता है तो आपका शरीर उस वायरस को तोड़ के उस वायरस के कॉपीज़ बनाता है।
क्योंकि वायरस एक डीएनए या आरएनए का वायरस होता है और उस डीएनए आरएनए से कॉपीज बनती हैं, और जब ये कॉपीज किसी भी सेल को डैमेज करती है तो आपके बॉडी के जो मैकेनिज्म्स हैं वो इस वायरस को जाके मार देते हैं। जब भी एक भी वायरस को ये मारता है तो वायरस के अंदर जो एंटीजेंस हैं उनसे आपका शरीर एंटीबॉडी बनाता है, तो ये एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं टेस्टों से। किसी भी वायरस के खिलाफ दो प्रकार के एंटीबॉडीज ज़रूर बनते हैं, एक आईजीएम एक आईजीजी। आईजीएम एंटीबॉडीज़ पहले बनता है जब वायरस नया नया आता है, इसलिए जब भी आपको नया इन्फेक्शन है तो आईजीएम एंटीबॉडी उस वायरस के खिलाफ वाला हम टेस्ट कर सकते हैं एलाइसा टेस्ट से। अगर आपके अंदर आईजीएम एंटीबॉडी है तो आपको रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है, अभी अभी का इन्फेक्शन है। कुछ समय के बाद हमारे बॉडी क्या करता है, आईजीएम एंटीबॉडीज़ के बाद आईजीजी एंटीबॉडीज़ बनाता है। आईजीजी एंटीबॉडीज़ का काम है उस वायरस की याद रखना, मेमोरी रखना, कि आगे चल के कभी वो वायरस आपके अंदर आ जाए तो आपके शरीर जो है उसको पहले ही मार सके। अगर आपके अंदर आईजीजी एंटीबॉडीज़ मिल रहा है तो आपको पहले कभी इन्फेक्शन हुआ था या कुछ महीनों पहले, कुछ हफ्तों पहले का इन्फेक्शन है। सो आईजीजी एंड आईजीएम एंटीबॉडीज़ का टेस्ट होता है, और आपके जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं, आपके शरीर के जो सिक्रीशंस हैं, सलाइवा, यूरिन, ब्लड और सरेब्रो ब्रेन के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या इन सारे सिक्रीशंस में से वायरस को एक्सट्रैक्ट या आइसोलेट भी किया जा सकता है पीसीआर टेक्निक से। सो ये सारे टेस्ट्स हैं जिनसे कि पता किया जा सकता है कि आपको ये वायरल इन्फेक्शन है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, मेजर प्रॉब्लम लग रही है, और आप केरला से होकर आए हो, या आपको डाउट है कि आपको कहीं ये इन्फेक्शन है तो नहीं, तो ये टेस्ट आप करवा सकते हैं और चेक करा सकते हैं। अगर आपको आईजीएम एंटीबॉडीज़ नहीं मिल रहे हैं आपके शरीर में तो आपको ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, पैनिक करने की कोई बात नहीं है, सावधान रहने की बात है, वायरस को समझने की बात है, और होपफुली ये आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये आती भी है तो ट्रीटमेंट ये है जो हमने अभी बताया। कई दफ़ा कई लोगों में ये वायरस बिना किसी दिक्कत के ठीक भी हो जाती है शरीर में आने के बाद भी, लेकिन उन लोगों में भी ये वायरस जो है आगे चल के रिलैप्सिंग एनसेफलाइटिस, यानी कि कुछ महीने बाद या कुछ सालों के बाद फिर आपके दिमाग में, ब्रेन में इन्फेक्शन कर सकती है। तो इसीलिए अपने न्यूरोलॉजिस्ट से बात करें और इस वायरस के बारे में जानकारी लेके अपनी सही तरीके से इलाज कराइए, अगर आपको किसी भी प्रकार की ऐसी दिक्कत है या डाउट है तो। खासकर केरला में जो लोग हैं वो सावधान रहें इस बात से, और आसपास के जितने भी लोग हैं उन सब ने ये चीज़ ज़रूर फॉलो करनी है कि इस वायरस से बचने का सबसे ज़रूरी तरीका है हाइजीन। अगर आप अपनी हाइजीन मेंटेन करेंगे, यूरिन पेशाब से लेके स्टूल पॉटी तक, या अपने स्वेट से लेके जो सलाइवा है थूक तक, उन सबको आपने सही तरीके से डिस्कार्ड करना है। कोई भी इधर उधर ना थूकिए, खांसी करते हैं तो मुंह पे कपड़ा रखिए। अगर आप किसी पेशेंट से देखने जा रहे हैं अस्पताल, किसी भी अस्पताल कहीं भी जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाइए, अपने आप को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए। हमेशा दिन में 5-6 बार हाथ धोइए, कोई भी फ्रूट खाने से पहले उसको अच्छे से धोइए, छील के खाइए, और कटा हुआ या खाया हुआ फ्रूट ना खाइए। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, ये वायरस दोस्तों आपको कई तरीके से हो सकता है, आपको इस वायरस के बारे में सही जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। होपफुली जल्दी ही इस वायरस के बारे में कोई वैक्सीन या कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूर आ जाएगा, तब तक के लिए आपको अपना ख्याल खुद रखना है, और अगर आपको डाउट है तो टेस्ट कराने हैं। दोस्तों, होप आपको ये वीडियो से मदद मिली होगी, अगर मिली है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए।